फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने रियलमी C63 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में ये फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू, वेब व्यू पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के समय डेटा ये आपका तुरंत जीरो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब आपको बैक पेज पे जाना है, तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू का ऑप्शन सेलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको ऊपर ये एंड्रॉइड सिस्टम का ये भी ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर भी आपको स्टोरेज पर टैप करना है। अब यहाँ पर भी क्लियर कैच पर टैप करना है, तो ये भी आपका कैच के सामने डेटा तुरंत जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर सर्च बार पर टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम सिक्योरिटी लिखना है, तो आपको नीचे सिस्टम सिक्योरिटी का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है, ठीक है। अब आपको इस पेज में नीचे सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपको जो इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर सर्च बार पर टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, ये नीचे आपको ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में इरेज ऑल डेटा पे दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।